तो ये विषय क्यों है, देखिए आप भी सोशल मीडिया पर ज़रूर होंगे और कुछ ना कुछ पोस्ट भी करते होंगे। अभी आपसे पूछा जाए कि क्या आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं या क्या आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो शायद आपको लगे कि ये अजीब सा सवाल है, लेकिन ये मीडिया जिस तरीके से इवॉल्व कर रहा है और एक तरह का दो तरफा जो इसमें संवाद की व्यवस्था है उसमें हर व्यक्ति कंटेंट क्रिएटर है और हर व्यक्ति कंटेंट का कंज्यूमर भी है, इन सब में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट बात है जिसका कि एक बड़ा कानूनी आधार है और वो है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट जो है भारत का ही अगर हम एग्जांपल लें तो 1957 का एक्ट बना हुआ है, लेकिन अब जो नया इकोसिस्टम कंटेंट का इवॉल्व हुआ है सोशल मीडिया पर तो एक नया पूरा पर्सपेक्टिव कॉपीराइट को मिल गया। बहरहाल 1957 का जो एक्ट है उसकी मूल आत्मा आप समझ लीजिए कि क्रिएटर का जो इंटेलेक्चुअल राइट है यानी जो उसने क्रिएट किया है अपनी बुद्धि से अपने दिमाग से अपने हुनर से उसका उसको अधिकार मिलना चाहिए और उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, जैसे कि राइटिंग है या कोई आर्ट पीस है, कोई फिल्म आप बनाते हैं, म्यूज़िक तैयार करते हैं, ऐसी कोई भी चीज़। और इसमें इस एक्ट की आत्मा ये है कि भाई उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए और अगर कहीं उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, ये भी उसके अंदर प्रावधान है और परमिशन किस शर्तों पर देगा ये वो तय कर सकता है और उसको क्रेडिट भी आपको देना पड़ेगा, तो जो जिस व्यक्ति ने काम किया है स्वाभाविक है उसका श्रेय उसको मिलना चाहिए। इसके लिए कॉपीराइट एक्ट के तहत आप अपनी रजिस्ट्री अपने प्रोडक्ट जो आपका जो काम है उसको रजिस्टर आप करा सकते हैं। इसमें साहित्य तमाम तरह के साहित्य जो भी लिखा हुआ काम है, नाटक है, म्यूज़िक है, पेंटिंग है, फोटोग्राफी है, दूसरे आर्ट पीसेस है, कोई आर्टिकल आपने पब्लिश किया है या रिकॉर्डेड साउंड है आपके या कोई फिल्म है, टीवी रेडियो का कोई काम और टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई काम, अब जैसे हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या इस तरीके की चीज़ें करते हैं वो भी इसमें शामिल है। तो मूल रूप से जो कुछ भी अपनी बुद्धि अपने हुनर का इस्तेमाल कर इंसान तैयार करता है उस पर उसका पूरा हक रहे। अब सवाल यह है कि नए माहौल में जब सोशल मीडिया और इंटरनेट आ गया तो कंटेंट की बाढ़ आ गई, हर आदमी कंटेंट क्रिएट भी कर रहा है और कंज्यूम भी कर रहा है, इसमें कॉपीराइट का क्या है स्थिति और कैसे ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है अगर आप नहीं जाने, ये तमाम चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले आपको पैनल से मिलवाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट और एंटरप्रेन्योर हर्ष शाह हमारे साथ हैं, ELT लॉ पार्टनर्स में वकील राजुल जैन हमारे साथ है और एक और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट आमिर जुनैद अहमद हमारे साथ है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजुल जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा कि देखिए अभी तक जो कॉपीराइट एक्ट है या कॉपीराइट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसका परव्यू एक अलग था और अब हम आज खास करके हम बात करें सोशल मीडिया से जुड़ी हुई, तो कितना इवॉल्व हुआ है इकोसिस्टम और आपको क्या लगता है कितने लैकलस्टर हैं हम लोग इसको लेकर सोशल मीडिया के रिलेशन में, खास करके कंटेंट क्रिएटर्स? जी मनोज, ये जो आपने सवाल पूछा है ये बहुत ही वाजिब सवाल है। मैं जैसे कि बता दूं सबसे पहले कि कॉपीराइट लगता किस चीज़ पे है। कॉपीराइट का ये जो पूरा कानून है, देखिए कि ये आर्टिस्टिक वर्क पे, किसी भी म्यूजिक वर्क पे, किसी भी लिटरेरी वर्क पे, इन सब चीज़ों पे लगता है। जैसे कि इनफैक्ट आर्किटेक्चर जो आपके बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स बनाता है ये उसके भी स्ट्रक्चर्स के डिजाइंस पे, फसाड्स पे, ये उन पे भी लगता है। पहले तो जो डिजिटल दुनिया से पहले तो एक फिजिकल वर्ल्ड के अंदर ही जब कोई इन्फ्रिंजमेंट नोटिस में आता था तो हम लोग नोटिस भेजते थे और सामने वाले को और बोलते थे कि आपने इन्फ्रिंजमेंट किया, आपने हमारे क्लाइंट का ये नुकसान किया है और हम उसको बोलते थे कि आपने इतना मुनाफा कमाया होगा हमारे प्रोडक्ट से, तो इस तरीके से हम चीज़ें करते थे पहले के टाइम में। सोशल मीडिया की दुनिया में मनोज इस चीज़ का कोई पैमाना नहीं रहा है और सोशल मीडिया में जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चीज़ों को पब्लिश करना बहुत ही आसान है और उसको देखने वाले जो ऑडियंस है बहुत वाइड है, वहाँ पे आपने जैसे ही कोई चीज़ लगाई उसको इमीडिएटली उसकी रिपरकेशंस कहीं कैसे भी हो सकती है। और ये देखने वाली बात ये है इसमें कि
एक सेम कॉपीराइट को, जबकि कोई ये एक लॉ में एक बात बोली गई है डॉक्ट्रिन ऑफ फेयर यूसेज, तो डॉक्ट्रिन ऑफ फेयर यूसेज बोलता है कि नेचर ऑफ आपने जो कॉपी कर लिया उसका कितना अमाउंट आपने यूज किया, उसने आपका पर्पस क्या किया। और यहाँ पे पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कमर्शियल पर्पस के लिए किया या पर्सनल पर्पस के लिए किया। अब धीरे धीरे ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है, जैसे जैसे लोग कॉन्टेंट इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, कॉन्टेंट इन्फ्लुएंसर बनने की वजह से सोशल मीडिया के ऊपर कमर्शियलाइजेशन का एस्पेक्ट आ गया है। अभी तक अदरवाइज सोशल मीडिया पे एक थिन लाइन डिफरेंस को विड्रॉ करना कि ये कमर्शियल पर्पस के लिए किया या आपने पर्सनल पर्पस के लिए किया, ये पहले के जमाने में बहुत मुश्किल था। जब फेसबुक नया-नया आया 2004-5 में जब अकाउंट लोगों ने खोले तो ऐसा लगता था कि मैं शायद अपने दोस्त को दिखा रहा हूं ये चीज, बट आज इससे बात कहीं आगे बढ़कर चली गई है, लोगों को लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी जानने लग गए हैं। तो यहाँ पे ये अब तो कोर्ट्स के पास चला गया ये मैटर, ये तो अब अदालतें मैटर इंटरप्रेट करती हैं कि आपने कमर्शियली यूज किया या पर्सनली यूज किया। जी, तो जब विवाद में चीजें आ जाती हैं कोर्ट में जाती है फिर उस पर अलग तरीके से बढ़ सकते हैं। बहरहाल आज हमारा मकसद ये है कि जो लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कंटेंट क्रिएशन के जरिए वो कुछ भी करेंगे, चाहे वो कमर्शियल यूज़ करें या अवेयरनेस के लिए या वट एवर मे बी द पर्पस, हर्ष ये बताइए कि डिजिटल मार्केटिंग तो लार्जली डिपेंडेंट है सोशल मीडिया पर, तो और उसमें वो तमाम लोग शामिल हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, क्या अभी जो इकोसिस्टम है उसमें कॉपीराइट का पूरा जो उसकी जो पूरी ताकत, उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी, चाहे आप जैसे भी देख लीजिए, वो प्लेटफॉर्म्स पे है और प्लेटफॉर्म्स अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, करते भी होंगे, कि जैसे मान लीजिए मेरा कंटेंट है मैं डाल रहा हूँ और उसमें 2-4 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ जाते हैं तो फिर मेरा क्या होगा, मेरे हैंडल का क्या होगा, मेरे चैनल का क्या होगा, ये सब कुछ तय करेगा प्लेटफॉर्म, आप क्या कहते हैं? मनोज जी, जैसे राजुल जी ने बोला कि जब ये प्लेटफॉर्म्स आए थे फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब सारे नए नए थे तब कॉपीराइट इतना स्ट्रिक्ट नहीं था उसमें, पर अभी कैसे हो गया कि सारी चीजें अल्गोरिदम बेस्ड हो गई है, तो अब जैसे ही कोई कंटेंट डालते हो जिसमें कोई म्यूजिक है या कोई साउंड है या कोई आर्टिस्टिक वर्क है तो अल्गोरिदम तुरंत उसको पकड़ लेता है और या वो बंद कर देता है या आपको वो अपलोड नहीं करने देता है, या अगर आपने अपलोड कर भी दिया तो वो लोग तुरंत आपको 1 या 2 दिन में नोटिस आ जाएगा कि हमने आपका ये कंटेंट निकाल दिया है, या जैसे हमारे कुछ क्लाइंट्स के साथ हुआ है कि अपलोड तो हो गई रील उनकी पर 1 दिन बाद आ गया और पता चला कि जो साउंड था वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड था और उन्होंने पूरा का पूरा साउंड निकाल दिया और 3 या 4 स्ट्राइक आ गई अगर तो वो लोग पूरा का पूरा हैंडल बंद कर देते हैं, चैनल बंद कर देते हैं। फिर ऑप्शन है हमारे पास के जहाँ पे हम अपील कर सकते हैं प्लेटफॉर्म पे जाके उनके साथ बात की करते हैं और फिर उनको बोलते हैं कि निकालने के लिए, पर वो तकरीबन 1 महीना 2 महीना चले जाता है कभी कभी, कब कुछ टाइम पे आपको वापस मिल भी जाएगा आपका अकाउंट या आपका चैनल या आपका हैंडल, और कुछ जगह पे नहीं भी मिलेगा। सो काफी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से अपील कर रहे हो और सामने वाला जो ऑन द अदर साइड जो रिव्यू कर रहा है वो डिसाइड करता है और उनके पास बेसिकली पूरा राइट है कि या वो रखे या निकाल दे उसको। जी, तो पूरी तरह से उनके हाथ में मामला चला जाता है। लेकिन जुनैद, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि सपोज कोई अगर समझना ही चाहे, खास करके अगर हम एक स्पेसिफिक किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम काम करना चाहते हैं और हम ये समझना चाहते हैं कि कॉपीराइट के क्या इश्यूज़ है, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट जो है उसका कॉपीराइट वो लोग लेके रखते हैं, क्योंकि उनको अब जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स के लिए वो लोग म्यूजिक लेके रखते हैं, तो किस प्लेटफॉर्म पे कॉपीराइट की स्थिति क्या है ये हम कैसे समझ सकते हैं? सबसे पहले तो मैं सीएनबीसी आवास के सभी दर्शकों को गुड इवनिंग विश करना चाहूंगा और बैठे यहाँ पर पैनलिस्ट को भी, साथ ही साथ सीएनबीसी आवास को धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू आज के टाइम के लिए है, इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ला करके एक जागरूकता, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो जागरूकता की कमी है जी। अगर हम लोग जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं इनके लिए जो भी हमारा सोशल मीडिया चैनल्स है उन चैनल्स पे गाइडलाइंस बहुत अच्छी तरह से और बहुत डिटेल्ड में प्रोवाइड किया जा चुका है, तो कंटेंट एज अ कंटेंट क्रिएटर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो भी सोशल मीडिया को यूज करना चाह रहे हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, उनके गाइडलाइंस को बहुत माइन्यूटली पढ़ना चाहिए
और साथ ही साथ जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको एडुकेट करने की भी जरूरत है। क्लाइंट्स चाहते हैं कि उनका जो भी कंटेंट है या उनका प्रमोशन ज्यादा से ज्यादा रीच करे और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देख पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनकी पहुंच हो पाए। लेकिन यहाँ पर जो रोल प्ले करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा जो अहम मुद्दा है वो कंटेंट क्रिएटर्स का है कि वो खुद को पहले अपने आप को अपडेटेड रखें। अभी मेटा के आने के बाद वन टू वन फ्री जो है एडुकेट कर रहा है मेटा कैसे हम लोग उनके चैनल्स को यूज कर सकते हैं और कैसे ज्यादा रीच बढ़ा सकते हैं और कैसे कंटेंट्स को, जो कंटेंट हम यूज करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, अगर हमारे क्लाइंट के लिए कुछ प्रमोशनल रील्स बनाना है या कुछ वीडियोस या मीडिया क्रिएट करना है, तो उसके लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम ने खुद ही 9000 या उससे ज्यादा हम लोगों को मीडिया प्रोवाइड किया है। हमें एज अ कंटेंट क्रिएटर जानने की जरूरत है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे और कौन कौन से टॉपिक पे फेसबुक ने वो डिटेल्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। अगर इंस्टेड ऑफ यूजिंग जो सोशल मीडिया का अलग जगह से जाकर के लेने से, अगर हम लोग उसी प्लेटफॉर्म से वो मीडिया को उठाएं जो वो खुद प्रोवाइड कर रहा है, तो हम खुद भी बच सकते हैं और हम अपने क्लाइंट्स को भी बचा सकते हैं। यूजुअली हमारे क्लाइंट्स जो होते हैं वो या तो लीडर्स होते हैं या फिर वो सेलिब्रिटीज होते हैं जिनका एक भी पोस्ट आने से बहुत वायरल हो सकता है। तो वहां पर अगर हम लोग अपने आप को एडुकेट करें, जो हमारे सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं वो अपने आप को एडुकेट करें और उसके लिए हेल्प लें फ्रॉम द सोशल मीडिया इटसेल्फ, इसलिए कि वहां पे इनफ कंटेंट मौजूद है और वहां पे बहुत माइन्यूटली सारे गाइडलाइंस को दिया है उन्होंने, उसको धीरे धीरे समय दे करके पढ़ने की और समझने की जरूरत है ताकि इस तरह के परेशानी से खुद को भी बचाया जा सके और जो हमारे इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स हैं उनको भी इस तरह की दुविधा में आने से हम बचा सके। जी हर्ष, मेरा अगला सवाल ये है कि अभी जैसे हमारे ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आता है ये तो बात ठीक है, लेकिन सपोज हमारा कंटेंट कहीं और लगा हुआ है, हमें दिखाई देता है या हम मतलब खोज पाते हैं, हम क्या करें, हम अपना कॉपीराइट कैसे क्लेम करें सोशल मीडिया पर? सो बेसिकली जैसे ये प्लेटफॉर्म्स है तो कुछ चीजें उनके पास ऑलरेडी एल्गोरिदम में है, कुछ नहीं है। अगर आपके पास खुद के रिलेटेड कुछ चीजें है कि जो आपको दिख रहा है कि सामने वाला यूज कर रहा है, अरे ये चीज मैंने बनाई और अभी ये यूज करने लगा है, तो आप डायरेक्टली जाके अपील डाल सकते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या जो भी प्लेटफॉर्म्स है, हर एक के पास ऑप्शन है कि आप डाल सकते हो कि ये मेरा कंटेंट है। अगर आपके पास ट्रेडमार्क है तो वो डालिए, या अगर आप समझो आज नवंबर 2022 में है और आपने वो कंटेंट क्रिएट किया था अगस्त में और आप देख रहे हो कि किसी ने सितंबर में यूज किया है, तो आप उनको बताइए कि देखो ये मेरा कंटेंट है, मैंने अगस्त में क्रिएट किया हुआ था और ये बंदा सितंबर में यूज कर रहा है, कि आप पहले से यूज कर रहे हो तो आप उसके ओरिजिनल ओनर हो या आपके पास वो आपका कंटेंट है जो सामने वाला यूज कर रहा है। और ये लोग टीम काफी एक्टिव होती है, 2 से 3 दिन के अंदर तुरंत एक्शन लिया जाता है, वो लोग सामने वाले को जो भी पर्सन यूज कर रहा है उनको तुरंत ईमेल भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं कि हमें आपके पास से ये एक सो एंड सो पर्सन ने क्लेम किया है, आपके पास 2 दिन है, अगर आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर सके कि आपका ओरिजिनल कंटेंट है तो आपका ये कंटेंट निकाल दिया जाएगा, प्लस सामने वाले के ऊपर स्ट्राइक हो जाती है। और काफी प्लेटफॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि अगर 3 स्ट्राइक आ गई तो आपका अकाउंट भी निकाल देते हैं कुछ चीजों में। जी तो अगर आपका खुद का कंटेंट है तो आप बेझिझक जाके अपील कीजिए, अगर आपको दिख रहा है कि कोई और यूज कर रहा है उसको तो, और टीम काफी सपोर्टिव होती है ये बैकएंड प्लेटफॉर्म्स पे और वो तुरंत एक्शन लेती है इस चीज को लेके। जी तो आप भी अपना क्लेम कंटेंट का कर सकते हैं। राजुल जी, एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो सबके मन में रहता है, देखिए खास करके म्यूजिक की हम बात करते हैं, हर एक कंटेंट का कॉपीराइट का एक पीरियड होता है, उस पीरियड के बाद वो कॉपीराइट फ्री हो जाता है, फिर क्या होता है? तो एक तो आप बताइए कि म्यूजिक का, अब जैसे बॉलीवुड का म्यूजिक बहुत यूज होता है, तो कितना पुराना म्यूजिक जो है वो कॉपीराइट फ्री होता है और कॉपीराइट फ्री होने के बाद भी क्या वो प्रोटेक्टेड होता है, थोड़ा इसके बारे में क्लैरिटी चाहिए। जी मनोज जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो कॉपीराइट है ये कभी भी फ्री नहीं होता है। ओके। नॉर्मली कॉपीराइट एक लाइफ टाइम होता है, पेटेंट्स का जो केस होता है, पेटेंट्स नॉर्मली वेकेट हो जाते हैं कुछ सालों के बाद,
बट कॉपीराइट्स कभी विकेट नहीं होते हैं और नॉर्मली जो कॉपीराइट है कॉपीराइट में अंटिल अनलेस जो ऑथर ऑफ द कॉपीराइट है उसकी डेथ हो जाए तब तक पोजीशन क्लियर नहीं होती है, तब तक वो कॉपीराइट ही माना जाता है। ठीक है। और उसके बाद भी ऐसा भी होता है कई लोग अपनी सक्सेशन डीड्स भी लिख जाते हैं ऐसे केसेस में, तो हम ऐसा कह नहीं सकते। और जो पुराने जहाँ तक की पुराने गानों की बात रही, हम लोग सभी लोग सुनते हैं रेगुलरली, शादियों में भी बजाते हैं। देखिए अब एक सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, शादियों में डीजे बजता है जी। अब डीजे जो डीजे वाले हैं वो गाने चलाते हैं, वो अक्सर ये नॉर्मली ऐसा दर्शकों में नॉर्मली ये नॉर्मल नोशन नहीं है ऑर्डिनरी लाइफ में कि वो सबको लगता है कि ये तो बजा ही सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। मतलब ये इतनी बात जहन में इतनी फैल चुकी है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई भी गाना बजाना है इट शुड बी प्रॉपरली भी उसको लाइसेंस लेना चाहिए आपको बजाने के लिए। तो इसीलिए अगर आप बहुत बड़े बड़े अगर आप कोई मेगा इवेंट्स देखेंगे, मेगा इवेंट्स में आपको जनरली ऐसा कोई म्यूजिक नहीं मिलेगा कि वो एकदम से बजा रहे हैं, और अगर वहां पे म्यूजिक होगा भी तो वो नॉर्मली म्यूजिक जो होता है वो कॉपीराइटेड होता है। आप फाइव स्टार होटल्स में जाइए, फाइव स्टार होटल्स में आप देखेंगे लाइव लोग पियानो बजा रहे हैं या वायलिन बजा रहे हैं, वो किस वजह से है? तो नॉर्मली इसी वजह से होता है कि भी आप वहां पे ये यूनिक म्यूजिक है वो इंस्टेंट है वहां के लिए कॉपीराइट की जरूरत नहीं है। कुछ स्टेट्स में तो बल्कि जी उसके लिए कॉपीराइट की जरूरत नहीं है, और बल्कि कुछ स्टेट्स में तो महाराष्ट्र में जैसे म्यूजिक रेस्टोरेंट्स वगैरह में होटल्स में म्यूजिक बजाने के लिए एक म्यूजिक लाइसेंस होता है बकायदा अलग से। बिल्कुल लाइसेंस आता है। तो जी तो यहाँ पे जो बातचीत हम कर रहे हैं, हमारा देखिए मकसद एक तो ये है कि आप कम से कम उसके कॉपीराइट स्ट्राइक के जद में ना आए, इसके लिए आप एहतियात रखें। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया पर जब भी आप कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उस पर आपका ऑटोमेटिकली कॉपीराइट बन जाता है, इसको सही तरीके से आपको प्रूव करना पड़ेगा, ये बात भी सही है। लेकिन जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं उसके साथ जो यूज़र अग्रीमेंट आपने किया है तो उस प्लेटफॉर्म ने आपसे ये बात मनवा ली है कि आपका कंटेंट उनका भी कंटेंट होगा और वो जैसे चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें ज़्यादातर में एक सुरक्षा ये है कि वो अपने प्लेटफॉर्म से बाहर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब आपको इसकी जानकारी होगी, इसलिए बने रहिए हमारे साथ, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन, 17550 का जो कॉल है वो 85-90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे आर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस, बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहाँ से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहाँ पे बाय कर दीजिए, और जहाँ पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहाँ पे डिप पर बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक, ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। तो कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हुआ रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुरु। तो
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारा विषय कंज्यूमर अड्डा में कि कॉपीराइट और कंटेंट रॉन्ग, अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है या आप कॉपीराइट के दायरे में आ जाते हैं तो आपका कंटेंट गलत हो सकता है। हमारे साथ एक एमिनेंट पैनल है, उनके साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगला सवाल पूछने से पहले मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैंने यूट्यूब पे एक चैनल देखा था और उनके बारे में पढ़ा भी था, दरअसल पढ़ा पहले देखा बाद में। उनकी कहानी ये थी कि शुरू में उन लोगों ने एक तरकीब निकाली कि कैसे वो कॉपीराइट को वायलेट किए बिना कंटेंट का एक हिस्सा यूज़ कर सकते हैं। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 9 सेकेंड का के क्लिप्स वो लोग यूज़ कर रहे थे और ऐसे क्लिप्स यूज़ कर रहे थे जो दुनिया की जानी मानी फिल्मों के क्लिप्स थे। तो जाहिर सी बात है वो आई कैची थे और उनको वो कहानी में पिरोते थे। तो उन्होंने कुल 11 वीडियो बनाए थे, 10-11 वीडियो बनाए थे और बहुत ही पॉपुलर हुआ वो चैनल। लेकिन उसके बाद उसकी अंत भी हो गई, उन जो लोग थे उनके बीच में भी कुछ टकराव हुआ और ये मसला आगे जाकर फंस ही गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आज अगर आप बच रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा बचे, आगे फंस जाएंगे। हर्ष जी ये बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमको अभी बचना चाहिए, जो भले आज हमें लग रहा है कि बहुत बड़ी परेशानी नहीं है लेकिन कल को परेशानी बन सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी तरफ से एक ऐड कर रहा हूँ कि बहुत सारा म्यूजिक जो है वो कॉपीराइट फ्री हमें मिल जाता है, लेकिन ऐसा पता चला है कि बाद में वो लोग क्लेम कर देते हैं और आपके साथ नेगोशिएट करते हैं और आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक रैंसम जैसा आपको भरना पड़ सकता है। तो हर्ष जी, इस पर आपकी क्या सलाह है? जी मनोज जी, सो बेसिकली सी मेरा इस मुद्दे पे जैसे हम करते हैं, सो मैं बता तो हम क्या करते हैं कि जिसके थ्रू हम ये चीजों से निकल पाते हैं। तो 2-3 चीजें हैं, जैसे आप कुछ साइट्स है ऑनलाइन के जहाँ पे जाके आप म्यूजिक खरीद सकते हो जो रॉयल्टी फ्री होता है, जहाँ पे आपको कॉपीराइट इश्यू नहीं आता है। आप महीने का 400-500-600 रुपया अगर भरो तो पेड प्लान्स भी है अच्छे, अगर आपको तुरंत स्टार्ट करना है और आपको नहीं करना है तो फ्री प्लान्स भी हैं उनके पास कि जिसके थ्रू आप ये कंटेंट और ये म्यूजिक या आप इवन वीडियो के लिए जो VFX बोलते हैं कि जो डिजाइन्स आते हैं वो सारी चीजें ऑनलाइन है बहुत सारे साइट्स है कि जो सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप यूज करो तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगा। और उनके पास फ्री प्लान्स भी है और कुछ पेड प्लान्स भी है कि जो आप यूज कर सको अगर आपको पे करना हो तो, राइट। एक चीज ये है और दूसरी चीज ये है कि सारे प्लेटफॉर्म्स पे हर हफ्ते कुछ ना कुछ चीज होती है जो ट्रेंडिंग होती है। इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग होती है, ट्विटर पे ट्रेंडिंग होती है, टिकटॉक पे ट्रेंडिंग होती है, टिकटॉक तो इंडिया में अभी है नहीं पर जब था यूट्यूब पे ट्रेंडिंग होती है। तो अगर आप वो ट्रेंडिंग म्यूजिक लेके ये चीजें बनाते हो तो एक एज अगर आप कॉन्टेंट क्रिएटर हो तो आपकी रीच बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत लोग उसको देखेंगे भी क्योंकि वो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म वो चीजें प्रमोट कर रहे हैं कि जिसके थ्रू आप आगे लेके जा सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि आप खुद अपने टॉपिक स्पेसिफिक, अगर मैं आज आर्टिस्ट हूं तो मैं आर्ट स्पेसिफिक चीजें ढूंढ सकता हूं कि जो ट्रेंडिंग है। मैं फैशन कंटेंट क्रिएटर हूं तो मैं फैशन रिलेटेड चीजें ढूंढ सकता हूं। तो अगर आप जो चीजें ऑलरेडी ट्रेंडिंग है आप उसको लेके आगे बढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम। जी जी, तो अगला सवाल जी जी जी, अगला सवाल जुनैद से ले लेते हैं, वक्त कम है। जुनैद ये बताइए कि हमारे पास ऑप्शन क्या है? मैंने ये कहा कि भाई आप क्रिएट करते हैं तो कॉपीराइट आपका हो गया, लेकिन मानेगा कौन? मैं कोई कंटेंट क्रिएट करता हूं, मान लीजिए मैं एक किताब लिखता हूं तो मैं उसका कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूं, मेरा पब्लिशर करवाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर जो कंटेंट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, सीरियस कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, बड़ी मेहनत लगती है कुछ लिखने में या कुछ गाने में बनाने में, उसको कैसे सिक्योर करें कि उस पर हमारा कॉपीराइट क्लेम बने? जब हम उस पर कॉपीराइट क्लेम करें तो वो हमें मिले। एज अ कंटेंट क्रिएटर जब भी हम लोग कोई कंटेंट बनाते हैं तो डेट ऑफ द कंटेंट क्रिएशन ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हमने कोई कंटेंट क्रिएट किया है, कोई म्यूजिक बनाया है, कोई रील बनाया है और एक पर्टिकुलर डेट को हमने बनाया है और उसमें हम लोगों ने सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया है ताकि हमारे ऊपर हमने किसी रॉन्ग बेस को यूज नहीं किया है, तो ये ऑटोमेटिकली ये हमारे लिए एक कॉपीराइट बनता है कि अगर कोई हमारा ये क्रिएटेड कॉन्टेंट को दूसरा आदमी यूज कर रहा है तो हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। और उसके लिए हम लोगों के पास बहुत सारे अदर वेज हैं जहां पर हम लोग अपने बनाए हुए क्रिएटिव्स को रजिस्टर करा सकते हैं और हम अपने क्लेम्स कर सकते हैं ताकि दूसरे यूजर्स उसको यूज नहीं करें। दूसरा इम्पोर्टेंट एक जो और बात है जो यहां पर एज अ कंटेंट क्रिएटर हम लोगों के पास चैलेंजेस होते हैं,
कि हमारे यूजर्स हमेशा चाहेंगे कि उनको ज्यादा रीच मिले, तो उसके लिए बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्स भी मौजूद हैं। उन थर्ड पार्टी एप्स को यूज करके भी अगर हम लोग रील्स बनाते हैं या वहां पर कुछ म्यूजिक्स अवेलेबल हैं, उन म्यूजिक को अपने बैकग्राउंड में यूज करते हैं, तो वो हमारा कॉपीराइट का उल्लंघन भी नहीं होगा और वो हमारा अपना क्रिएटेड कॉन्टेंट होगा और हम लोग उसको रजिस्टर भी करा सकते हैं। और डेट ऑफ क्रिएशन ऑलवेज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि वो हम ये पूरा इकोसिस्टम तो कोलैबोरेशन पे चलता ही है, और अगर आप कोलैबोरेशन जायज अच्छा कोलैबोरेशन करेंगे तो आपको कॉपीराइट प्रूव करने में भी वो मदद करेगा, ये आप जुनैद की बात से समझ सकते हैं। राजुल जी, आपसे आखिरी सवाल, क्या कॉपीराइट का जो हमारा एक्ट है वो काफी है या नए एनवायरमेंट में हमें कुछ नया मैकेनिज्म, कोई रेगुलेटर, कुछ तब्दीलियां करने की जरूरत है? जी बिल्कुल, आपने जो ये सवाल आपने पूछा, बल्कि मैं इस पे बात भी करना चाहता था। अभी जैसे आपको एक बहुत ही ताज़ा एग्जांपल देता हूँ कि डिज़ाइन एक्ट भी है, जैसे अभी अब नए नए तरीके के लेट्स से बॉटल्स के डिज़ाइन है, कुछ भी हैं, लोगों ने क्या किया कि भी कॉपीराइट से बचने के लिए, मान लो एक फ़ोटो को एडिट किया और फोटो को एडिट करके किसी और अपना प्रोडक्ट बेचना, और प्रोडक्ट लेट से कोई बॉटल है या कोई कंटेनर है प्लास्टिक का, तो उसका उसने डिज़ाइन कहीं से कंटेनर लिया और उसको सुंदर लगाने के लिए अपना वो उसने डिज़ाइन वहाँ पे चिपका दिया, तो इसमें सीधा का सीधा जो आपका इन्फ्रिंजमेंट है, आपका सीधा डिजाइन एक्ट का इसमें इंफ्रिंजमेंट इन्वॉल्व हो गया अब आपके ऊपर। तो इसमें दर्शकों को यह भी जानने की जरूरी है कि भी सोशल मीडिया के कारण केवल आपका जो इन्फ्रिंजमेंट है वो कॉपीराइट का नहीं है, वो और बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, डिजाइन एक्ट का भी हो चुका है। और कभी कभी हमने ऐसे केसेस को, ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस को भी हैंडल किया है जहां पे बहुत ही यंग लोग थे और उन्होंने कम है, इसलिए आपको रोक रहा हूं। राजुल, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। दरअसल राजुल जो बात कह रहे हैं कि ये एक बड़ा मामला है और इसके दायरे में कई कानून आ जाते हैं, जो नई नई चीजें उभर रही है उससे फिलहाल एज अ यूजर आपको सावधान रहने की जरूरत है, यही हमारा मकसद था। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। घर में फैमिली की डिमांड्स और ऑफिस में काम की फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन, 17550 का जो कॉल है वो 85-90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे आर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस, बाजार शुरू होने से पहले कीजिए